हाय, दिस इज मनीषा सिंह। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आई होप फ्रेंड्स कि आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी, आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो लेकर आई हूँ आप सभी के लिए एक बहुत जबरदस्त गवर्नमेंट जॉब की अपडेट, जो कि डायरेक्ट निकल के आ रहा है दिल्ली पुलिस की तरफ से कॉन्स्टेबल रिक्रूटमेंट 2023 के लिए। ग्रुप सी की पोस्ट रहने वाली है, ऑल इंडिया की वैकेंसी रहेगी, मेल एंड फीमेल दोनों ही कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी रहने वाला है। वैकेंसी काफी ज्यादा नंबर ऑफ सीट पे आने वाली है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल में मैं बताने वाली हूँ आपको कि आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, साथ ही साथ फ्रेंड्स आपको एग्जाम डेट, एग्जाम पैटर्न, इनिशियल इन हैंड सैलरी, उसके साथ आपको ये भी बताऊंगी कि ये फॉर्म कब आने वाला है, फिजिकल क्राइटेरिया, मतलब कि कम्प्लीटली डिटेल में मैं डिस्क्राइब करने वाली हूँ इस जॉब रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग। तो अगर आप भी इस जॉब रिक्रूटमेंट को लेकर अगर थोड़े से भी सीरियस हो तो वीडियो के लास्ट तक बने रहना। तो चलो फ्रेंड्स, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं हम लोग, फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। एज आई टोल्ड यू फ्रेंड्स कि दिल्ली पुलिस में कॉन्स्टेबल की रिक्रूटमेंट आई है 2023 के लिए। टोटल नंबर ऑफ सीट्स की अगर बात करें तो 7547 सीट्स पे ये वैकेंसी आई है। तो आओ मैं बता देती हूँ मेल एंड फीमेल के लिए प्रॉपर कितनी कितनी सीटें रखी गई हैं। मेल्स के लिए 5056 सीट है, फीमेल्स के लिए 2491 सीट्स पे वैकेंसी रहेगी। मतलब कि ओवरऑल इस सीट को ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। तो अब देख लेते हैं कैटेगरी वाइज मेल एंड फीमेल का क्या क्या सीट रहने वाला है। सबसे पहले बात कर लेते हैं मेल कैंडिडेट्स के लिए। जनरल कैटेगरी मेल के लिए 3053, ओबीसी मेल के लिए 287, ईडब्ल्यूएस मेल के लिए 542, एससी मेल के लिए 872, एसटी कैंडिडेट्स मेल के लिए 302 सीट रखा गया है। वहीं अगर फीमेल्स की बात करूँ तो जनरल कैंडिडेट्स फीमेल के लिए 1502 सीट्स है, ओबीसी के लिए 142, ईडब्ल्यूएस के लिए 268, एससी के लिए 429 एंड एसटी फीमेल्स के लिए 150 सीट। मीन्स कि 7547 सीट्स को इस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है कैटेगरी वाइज। आई होप कि ये पार्ट आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलो अब मैं आपको बता देती हूँ फॉर्म की फी क्या रहने वाली है। जनरल ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस से लिया जाएगा यहाँ पे फॉर्म फी 100 रुपीज। एससी एसटी एंड ऑल कैटेगरी फीमेल आपसे यहाँ पे कोई चार्जेस नहीं लिया जाएगा। एज लिमिट का अगर देखें हम लोग तो योर एज विल बी कैलकुलेटेड एज ऑन 1 अगस्त 2023, मिनिमम एज 18 ईयर्स एंड मैक्सिमम 25 ईयर्स। और यहाँ पे आपको रिलैक्सेशन भी देखने को मिलता है, ओबीसी के लिए 3 ईयर्स एंड एससी एसटी के लिए 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन रखा गया है। अब देख लेते हैं हम लोग फ्रेंड्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिजिबिलिटी, यानी कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है यहाँ पे। फ्रेंड्स जनरली तो देखा जाए अगर आप 12th पास आउट हो इंडिया के किसी भी रिकॉग्नाइज्ड स्कूल, बोर्ड, यूनिवर्सिटी से, तो आप इसके लिए एलिजिबल रहने वाले हो। व्हाट इज योर परसेंटेज इन 12th डजंट मैटर। और हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पे मेल कैंडिडेट्स के लिए एक स्पेशल रिक्वायरमेंट होती है कि ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए उनके पास हेवी मोटर व्हीकल का। अगर आप फीमेल हो तो आप बस 12th पास आउट हो तो अप्लाई कर सकते हो, बट मेल्स के लिए दिल्ली पुलिस की जो जॉब होती है ना कॉन्स्टेबल की, उसमें आपको डीएल एकदम कंपल्सरी होता है। अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस। फ्रेंड्स योर सिलेक्शन विल बी डिपेंडेबल ऑन मेजर 4 स्टेजेस। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू क्लियर सीबीटी, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपको पहले क्लियर करना होगा। देन होगा आपका पीईटी एंड पीएसटी, दैट मींस कि फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट एंड फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, मतलब कि ओवरऑल आपको फिजिकल क्लियर करना होगा। देन होगा आपका डीवी यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद फ्रेंड्स मेडिकल होगा। सो आई होप कि सिलेक्शन प्रोसेस आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। तो अब बता देती हूँ आपका एग्जाम पैटर्न कि एग्जाम आपका क्या क्या क्वेश्चन, कितने मार्क्स का रहेगा, कितने टाइम में होगा। 100 क्वेश्चन का पेपर होगा 100 मार्क्स के लिए। टाइम मिलता है फ्रेंड्स आपको 90 मिनट्स, यानी कि 1.5 घंटे का ये पेपर होगा। नेगेटिव मार्किंग भी होता है 1/4 का, मतलब कि 0.25 का यहाँ पे निगेटिव मार्किंग आपको देखने को मिल जाएगा। आपको सब्जेक्ट वाइज एक्सप्लेन कर देती हूँ।
जीके जीएस के 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के लिए, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के लिए, मैथमेटिक्स के 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स के लिए, कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के लिए। तो ये तो होता है आपका एग्जाम। एग्जाम के बाद होता है आपका फिजिकल। तो आओ अब आपको बता देती हूँ पीईटी एंड पीएसटी की डिटेल्स। फ्रेंड्स ये आपको मेल के लिए जो होता है ना हाइट की मेजरमेंट 170 सेंटीमीटर का रहता है, फीमेल्स के लिए मिनिमम हाइट 157 सेंटीमीटर रखा गया है। चेस्ट की रिक्वायरमेंट ओनली फॉर मेल्स होती है, फीमेल्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है यहाँ पे। तो मेल के लिए जो चेस्ट की रिक्वायरमेंट होती है 81 to 85 सेंटीमीटर होती है, मतलब कि आपको 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन यहाँ पे देखा जाएगा। तो आइए बता देती हूँ आपका रनिंग क्या रहने वाला है। 1.6 किलोमीटर इन 6 मिनट फॉर मेल कैंडिडेट्स एंड 1.6 किलोमीटर इन 8 मिनट्स फॉर फीमेल कैंडिडेट्स। अब देख लेते हैं हम लोग हाई जंप। तो हाई जंप मेल के लिए 14 फीट का होगा एंड फीमेल्स के लिए 10 फीट का होने वाला है। लॉन्ग जंप की अगर बात करूँ तो मेल्स के लिए 3 फीट 9 इंच का होता है और फीमेल्स के लिए आपका होता है 3 फीट का। सो फ्रेंड्स ये तो हो गया आपका फिजिकल। अब आप इसको क्लियर करोगे तो होगा आपका डीवी प्लस मेडिकल। देन आपको आपकी ना ज्वाइनिंग लेटर दे दी जाती है। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है ज्वाइनिंग लेटर के बाद कि मेरी ज्वाइनिंग के बाद मेरी इनिशियल इन हैंड सैलरी क्या होगी। तो फ्रेंड्स जैसा आपको बता दूं कि दिल्ली पुलिस का जो सैलरी होता है वो आपका 21,700 to 69,100 के बीच में रहता है। मतलब कि आप जब ज्वाइन करते हो ना तो 21,700 से स्टार्टिंग होती है। मतलब कि आपका स्टार्टिंग सैलरी ना ये बस नोटिफिकेशन में दिखाया जाता है, स्टार्टिंग में आपको 30,000 to 40,000 के बीच में ना कांस्टेबल को सैलरी दी जाती है। तो समझ रहे हो कितनी अच्छी जॉब प्रोफाइल होने वाली है कि मतलब बहुत अच्छा। इसमें आपको पर्क्स एंड अलाउंसेस भी देखने को मिलता है, पर ईयर इंक्रीमेंट होता है, सैलरी बहुत अच्छी रहने वाली है आपकी। तो फ्रेंड्स अब आप सोच रहे होंगे कि आपका एग्जाम जो होगा सीबीटी उसका डेट क्या रहने वाला है। तो फ्रेंड्स आपको क्लियर कर दूं कि आयोग की तरफ से क्लियरली ना डेट्स मेंशन कर दी गई है कि आपका हाफ नवंबर टू हाफ दिसंबर 2023, मतलब कि नवंबर 2023 में आपका ये पेपर स्टार्ट होगा और दिसंबर 2023 में खत्म होने वाला है। तो आप मान के चलो कि नवंबर में पेपर है तो अभी से आप तैयारी में जुट जाओ। तो फ्रेंड्स आओ अब मैं आपको बता देती हूँ कि प्रीवियस ईयर का कट ऑफ क्या था मेल एंड फीमेल के लिए कैटेगरी वाइज। जनरल कैंडिडेट्स मेल के लिए था 79 एंड फीमेल्स के लिए 68 था। ओबीसी कैंडिडेट्स मेल के लिए था 77 एंड फीमेल्स के लिए था 64। एससी कैंडिडेट्स मेल के लिए था 72 एंड फीमेल्स के लिए था 58। एसटी कैंडिडेट्स मेल के लिए 76 था एंड फीमेल्स के लिए था 62। एक सर्विसमैन था मेल के लिए 69 और फीमेल्स के लिए 56। सो फ्रेंड्स ओवरऑल आई थिंक कि आपके सारी जो डाउट्स वगैरह थी वो क्लियर हो गई होगी। अभी एक ही क्वेश्चन बाकी है हमारा जो इम्पॉर्टेंट मुद्दा है कि ये फॉर्म कब आएगा। तो फ्रेंड्स आपको ना एसएससी की तरफ से एग्जाम कैलेंडर में क्लियरली बता दिया गया कि आपका ये फॉर्म सितंबर 2023 में आ जाएगा। मतलब कि सितंबर में तो अब ज़्यादा दिन बाकी है नहीं। और जैसा मुझे उम्मीद है कि आपका 1 सितंबर से लेके और आपका 30 सितंबर तक ये फॉर्म अप्लाई होगा। अभी डेट जो है वो नहीं किया गया है, जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा तो आपको एक बार फिर से क्लियर कर दूंगी। रही बात की जॉब की लोकेशन क्या रहेगी, तो ऑब्वियस ही बात है कि दिल्ली पुलिस में वैकेंसी है तो आपका जॉब लोकेशन जो है वो दिल्ली एनसीआर के भीतर रहने वाला है। तो हमारे देश की राजधानी में आपको कांस्टेबल के पोस्ट पे वर्क करना पड़ सकता है, अच्छी जॉब प्रोफाइल होने वाली है। तो अभी से आप लोग तैयारी में लग जाओ, एग्जाम की प्रिपरेशन करो, साथ ही साथ फिजिकल की भी तैयारी करना क्योंकि एग्जाम होने के बस 2-3 महीने बाद आपका फिजिकल भी कंडक्ट करा लिया जाएगा। सो फ्रेंड्स आई होप कि मैंने जो डिटेल आपको बताए हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट 2023 के रिगार्डिंग आप लोग उसको अच्छे से समझ पा रहे होंगे, रिलेट कर पा रहे होंगे। और अगर समझने में
थोड़ी सी भी दिक्कत है फ्रेंड्स, तो आप कमेंट बॉक्स में आके जरूर बता सकते हो। मैं आपकी क्वेरीज को कमेंट सेक्शन में ही क्लियर करने की कोशिश करूंगी। अदरवाइज अगर और भी ज़्यादा मुझसे कनेक्ट होना चाहते हो तो मेरे फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम चैनल, सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, वहाँ पर जाके भी आप फॉलो कर सकते हो। और अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो फ्रेंड्स, तो वीडियो को खूब सारा लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना ताकि उनको भी ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिल पाए। और फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो, आप लोग नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट कर देना ताकि मेरी सारी न्यू जॉब अपडेट्स की वीडियो सबसे पहले आप सभी तक आए। तो मिलूंगी आपसे फिर से किसी ज़बरदस्त जॉब की अपडेट के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून, बाय बाय, टेक केयर।